तो देखो प्यारे बच्चे, अगर इस वाले सवाल को देखोगे इसमें कि कहता है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कौन सा है। जीरो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डज नॉट नेसेसरी मीन्स एक्सलेशन इज जीरो। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक देता हूँ, ठीक है ना, ये ऊपर फेंक देता हूँ, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट इट इज स्टिल एक्सलेटेड अंडर द ग्रेविटी 9.8 मीटर पर से। एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं फिजिक्स में, ठीक है। सिंपल पेंडुलम है, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर देखोगे तो जाके रुक तो जाता है ना हाईएस्ट पॉइंट पे, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थीटा हो गया तो रुक तो गया, लेकिन ए इधर आना चाह रहा, इधर एक फोर्स तो लग ही रहा ना। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो कोई ज़रूरी नहीं एक्सलेशन जीरो, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत निकालना है। जी मतलब हमें गलत निकालना, तो ये गलत है। जी जीरो एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट नेसेसरी मीन्स वेलोसिटी जीरो, एक्सलेशन जीरो। एक कार है और ये कार जा रही है बट कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो कि कभी चेंज ही नहीं हुई, तो जीरो एक्सलेशन। तो इसका एक्सलेशन जीरो है लेकिन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यार वेलोसिटी कांस्टेंट है, 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, चलती चली जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब ये गलत निकालना हमें। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, अगर तो एक्सलेशन मस्ट बी जीरो। देखो अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, थर्ड, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सलेशन तो जीरो होगा ही होगा यार। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सलेशन को तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, मतलब गलत है। तो नॉन ऑफ दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऊपर से कोई भी स्टेटमेंट गलत ही नहीं है, सारे सही हैं। थैंक यू।